हेलो, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं आप लोगों को अपनी वैकेंसी वीडियो के ज़रिए बताना चाहता हूं। और मैं इरफान हैदर ज़हरा मैन पावर से बात कर रहा हूं। हमारी जो वैकेंसी है वो बहरीन की है, ओमान की है, क़तर की है और सऊदी अरब की है। जो वैकेंसियां बहरीन की हैं उसमें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। इससे पहले ये वीडियो मतलब वैकेंसी बताऊं, मैं आपको ये चीज़ें बता दूं। अगर किसी को गमका कटवाना है किसी भी कंट्री का, और इमिग्रेशन करवाना है और स्टैंपिंग करवाना है, वो कम बजट में जो मुनासिब रेट होते हैं उसी हिसाब से कैंडिडेट को पे करना पड़ेगा, ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। और जो मेरे पास वैकेंसी है दुबई की, स्टार्ट करने से पहले मैं दुबई की वैकेंसी के बारे में बता दूँ कि मेरे पास दुबई की वैकेंसी है। इसमें विज़िट टू एम्प्लॉयमेंट, पूरा कॉन्ट्रैक्ट के साथ विज़िट टू एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा लगेगा। और ये डीज़ल मैकेनिक की वैकेंसी है, डीज़ल मैकेनिक की वैकेंसी है। जो फोर व्हीलर डीज़ल मैकेनिक या चार चक्का बनाने जानता है लोग, तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। 1440 प्लस 1600 दिरहम दुबई का मतलब मिलेगा उसको। और ड्यूटी आवर्स तकरीबन 10 घंटे रहेगी, जुमा को छुट्टी रहेगा, रूम रहेगा, कोटेशन रहेगा, फूड इसमें मेंशन नहीं है, तो फूड अपना खुद से आप बना के खाना रहेगा। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहरीन की है, उससे पहले जो बताया था मैं दुबई की बताया था। अब जो बताया इंटीरियर डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर जो बंदा किया होगा उनको ये चीज़ की नॉलेज होगी, किचन डिज़ाइनिंग करना होगा इंटीरियर की। और तकरीबन उसमें सैलरी जो मेंशन की हुई है 200 प्लस 8 घंटा ड्यूटी, हफ्ते में एक दिन छुट्टी और 6 दिन काम करना पड़ेगा, यानी 6 डे वर्क रहेगा, एक दिन आपको वीक ऑफ मिलेगा। अकोमोडेशन में आपको रूम के साथ सभी सुविधाएं मिलेंगी, फूड नहीं मिलेगा। ये इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए वैकेंसी है। इसमें मतलब जो भी बंदा किया हो, थीम्स हो और ए टू जेड जो इसमें किए होंगे उनको ज़्यादा नॉलेज होगी मेरे बताने के बावजूद भी। मगर इसमें सबसे बड़ा जो मेंशन किया है किचन डिज़ाइनिंग, यानी जो घर में किचन के लिए होते हैं डिज़ाइनिंग, वो वाला बंदा इसमें अपने आप को अप्लाई कर सकता है। बाकी अगर जो भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग किए वो इंटरव्यू दें, अगर होने करेगा तो मैं इंशाल्लाह उसकी पूरी कोशिश करूँगा, वो हो सकता है। इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, अपने कोई भी बंदे अप्लाई कर सकते हैं। बहरीन के लिए डोसा, पराठा और रोटी मेकर, ये एक बंदे को आना चाहिए काम। डोसा बनाने आना चाहिए, पराठा वराठा बनाना चाहिए, जो केरला पराठा होता है या फिर लच्छा पराठा या रुमाली रोटी होती है या रोटी होती है, ये सब बनाने आना चाहिए। बहरीन के लिए सैलरी तकरीबन 120 से 130 है और ड्यूटी आवर 12 घंटा है, रूम है, खाना है, अकोमोडेशन है। ये आपको बहरीन के लिए थी, और इंटीरियर डिज़ाइनर की भी बहरीन की वैकेंसी थी। ओमान के लिए जूस मेकर चाहिए, ओमान के लिए आपको जूस मेकर चाहिए, जिसको जूस हो, सैंडविच हो, ये बनाने आता हो। 120 से 130 ओमानी रियाल सैलरी रहेगी, 13 घंटा इसमें ड्यूटी मेंशन है, और रहने के लिए आपको रूम देगा और ड्यूटी टाइम आपको खाना देगा। ड्यूटी ख़त्म हो जाती है अगर आप रूम पे जाते हैं तो उस टाइम खाना नहीं मिलेगा, यानी ड्यूटी टाइम आप हैं तो आप खाना खाइए अपना और फिर रूम पे चले जाइए। ये बहरीन की थी, ये ओमान की वैकेंसी थी। अभी मैं आपको सऊदी अरब की वैकेंसी बता दे रहा हूँ, जिसमें तकरीबन, और एक चीज़ और आप लोगों को वीडियो के ज़रिए बता देता हूँ मैं, कि कोई भी बंदा टिकट हो, इमिग्रेशन हो, गमके की स्लिप हो और आपका जैसे मूफा इस तो सऊदी अरब में होगा, ऐसे कि जब अभी चेंज हो गया है सिस्टम, पहले सऊदी अरब का स्टैम्प होता था वीज़ा, अभी ई वीज़ा पेपर आने लगा है सभी लोग का, तो आप लोग भी अपना ई वीज़ा पेपर मंगा सकते हैं सऊदी अरब का। बहरीन के लिए एक और वैकेंसी बता देता हूँ, हैवी ड्राइवर, एक्सवेटर ऑपरेटर और जीसीबी ऑपरेटर, ये इंडियन बंदे लोग अप्लाई कर सकते हैं। उनका लाइसेंस जो रहेगा इंडियन रहेगा तो चलेगा, मगर सैलरी इनको बहुत
नॉर्मल दी जा रही है क्योंकि इंडियन लाइसेंस पे सैलरी बहुत कम मिलती है बहरीन में। 100 दिनार 110 दिनार ये आपको बहरीनी दिनार मिलेगा 8 घंटे का। और लाइसेंस जब कंपनी बनाएगी आपका तो उसमें से वो धीरे धीरे 10-10 दिनार 5-5 दिनार करके आपका जो भी लाइसेंस का 150-200 दिनार है वो धीरे धीरे वो कट करेगी। ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जेसीबी एक्सलेटर ऑपरेटर और हैवी ड्राइवर के लिए। अगर कोई बंदा अप्लाई करना चाहेगा तो 8 घंटा ड्यूटी रहेगा। और कोई किसी की GCC लाइसेंस रहता है तो वो अपना ज़्यादा इसमें अप्लाई कर सकता है, यानी उसकी सैलरी ज़्यादा लगेगी क्योंकि उसका लाइसेंस रहेगा तो लाइसेंस बनाएगी नहीं कंपनी, उसी के लाइसेंस पे रिन्यूअल कर देगी, बहरीन के लाइसेंस बन जाएंगे। मैं बहरीन के लिए एक और वैकेंसी बताता हूँ, केयर टेकर में यानी हाउस केयर टेकर, जिसके घर में मरीज़ होते हैं गल्फ कंट्री में, वो इंडिया से बांग्लादेश से पाकिस्तान से और बाकी फिलीपींस से इंडोनेशिया से बंदे लोग को हायर करते हैं केयर टेकिंग करने मतलब उसका देखभाल करने के लिए, टाइम टू टाइम दवा दे इंजेक्शन दे। मगर वो बंदा को हायर करेंगे जिसके पास तजुर्बा हो और सर्टिफिकेट हो कि वो संभाल सके। ऐसा ना हो कि आप गए और उसको संभाले संभालते इंजेक्शन ही गलत लगा दिया, खुदा ना खास्ता हो भाई साहब ही निकल लिए, तो ऐसा नहीं इसमें चलेगा। प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और पूरा तजर्बा अच्छा खासा होना चाहिए इसको, मतलब इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंग्लिश आनी चाहिए उसको। और दूसरी चीज़ की सैलरी वो देगा 170 दिनार प्लस जो ड्यूटी आवर्स रहेगी 8-10 घंटे की वो करना रहेगा, और रूम देगा, खाना आपको खुद से बना के खाना रहेगा। ये इसकी है बहरीन की केयर टेकर की वैकेंसी। बहरीन में ही कारपेंटर सुपरवाइज़र की ज़रूरत है, जो कारपेंटर सुपरवाइज़र हैं वो अपना इसमें अप्लाई करें। और उनकी सैलरी इसमें मेंशन इसलिए नहीं कि उनकी सुपरवाइजरिंग कितने साल किए हैं, क्या इनके पास नॉलेज है, कितने बंदे को वो संभालते थे किसी गल्फ कंट्री में, तो उसी हिसाब से उनकी सैलरी लगेगी। बट इसमें ड्यूटी आवर्स मेंशन है वो बता देता हूँ, 9 घंटा है और रूम इसको वो देगा, खाना नहीं है, खाना बहरीन में बहुत कम मिलता है भाई लोग, ये मैं आपको बता देता हूँ। एल्युमिनियम फैब्रिकेटर में एक ये कंडीशन उसने दिया है कि उनको नॉन मुस्लिम चाहिए, यानी मुसलमान आदमी नहीं चाहिए, इनको हिंदू बंदा चाहिए। और उनकी सैलरी जो मेंशन रहेगी या दी जाएगी 120 से 130 बहरीनी दिनार। ड्यूटी आवर जो रहेगा 8 से 9 घंटा का रहेगा, रहने के लिए आपको रूम देगा, मेडिकल कराएगा, इंश्योरेंस कराएगा, सब कुछ कराएगा, खाना नहीं है, फूड नहीं है। तो अगर कोई भी बंदा अपना है भाई लोग हैं हिंदू भाई लोग, अगर वो एल्युमिनियम काम जानते हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी और बताता हूँ, ग्रिल शेफ, और ये होटल की है। जो ग्रिल होंगे, जो ग्रिल का काम जानते होंगे शेफ का, उनकी सैलरी वो मेंशन किया है कि 120 8 घंटा हुआ ड्यूटी, यानी और अच्छा तजर्बा रहेगा, ज़्यादा नॉलेज रहेगी तो उनको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। ये बहरीन की वैकेंसियाँ थी जो मैं आप लोगों को बताया, और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी वैकेंसी को शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को लोग सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को जब कॉल आता है और मुझसे पूछा जाता है कि सर इसके बारे में मुझे बता दीजिए, मुझे इसकी जानकारी दे दीजिए, तो जो जानकारी मेरे पास रहती है मैं शेयर कर देता हूँ, ताकि इसमें कोई ये हर्ज नहीं है कि ये वैकेंसी, मतलब ये जानकारी होने के बावजूद मैं छुपाऊँ, जो मुझे पता रहता है, जो मुझे जानकारी नहीं रहती उस जानकारी लेके बताता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आप सभी लोग का जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मेरे चैनल को लोगों ने काफ़ी सब्सक्राइब किया है, और मैंने वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, जो वैकेंसी आती है उसी वैकेंसी पर मैं हफ्ते में एक वीडियो बनाता हूँ। अगर आप लोग का ऐसे सपोर्ट रहेगा तो मैं हफ्ते में 2-3 वीडियो बनाऊंगा। वैकेंसी तो रोज़ आती है, मगर मैं सोचता हूँ कि लोग सब्सक्राइब करें पहले मुझे चैनल तक, मेरी मतलब जाने मुझे, फिर उसके बाद मैं अपना आगे तक पहुँचाऊँ। बाकी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो
कॉल कर सकता है, मुझसे जानकारी ले सकता है किसी भी काम के लिए। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।